दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और लाजवाब होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, और आप लोगों को बताऊंगा इसका रिव्यू, इसका फीचर्स और इसके बारे में सब कुछ आज की वीडियो में हम जानने वाले। आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है स्टार्ट से लेकर आखिर तक विदाउट स्किप किए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पवार और आप देख रहे हैं टुडेज नॉलेज डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मेरे हाथ में EMI का जो 10i अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ मोबाइल है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। लेकिन इसको अनबॉक्स करने से पहले मैं आप लोगों को इसका जो भी कोई मोटा मोटा इसका फीचर होगा उसके बारे में बात कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका कैमरा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को 1 से 8 मेगापिक्सल का AI रियर कैमरा विथ EIS और उसी के साथ साथ 16 मेगापिक्सल इन डिस्प्ले फ्रंट कैमरा। ओके, ये कैमरा आप लोगों को इनबिल्ट मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G जो 5G का प्रोसेसर रहेगा वो आप लोगों को मिलने वाला है। उसी के साथ साथ SDR रहेगा जो आप लोगों को 120Hz का इंटेलिजेंस एडेप्टिव डिस्प्ले रहेगा। उसी के साथ साथ आपको 4820 की बैटरी मिलेगी, जो AMAH की बैटरी रहती है वो आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। और उसी के साथ साथ आप लोगों को इसमें बहुत सारे फीचर्स रहेंगे और इसमें आप लोगों को 2-3-4 कलर में आएगा। और उसी के साथ साथ आपको 8GB 120GB और 6GB 120GB ये 2 वेरिएंट्स में आप लोगों को मिलेगा, जिसकी प्राइस रहेगी लगभग जो 8GB की प्राइस रहेगी आप लोगों को Amazon में देखने को मिलेगा। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 8GB और 128GB का प्राइस आप लोगों को 23,999 और 6GB का आप लोगों को 21,999। और उसी में आप लोगों को ICICI बैंक का जो क्रेडिट कार्ड रहेगा उसमें 2,000 का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। लेने की सोच रहे होगे तो लिंक आप लोगों को दोनों वेरियंट की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कलर आप अपने मुताबिक चूज कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हो गया फीचर्स के बारे में, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका मैं अभी आप लोगों को ये करूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसे कट करके चुका था क्योंकि वीडियो में ज्यादा समय उसके वजह से बर्बाद हो जाता है। तो मैं इसे ओपन किया, आप लोगों को यहां पे बॉक्स है, बॉक्स को मैं साइड में रख दूंगा। यहां पे आपको ये इसका फ्लैप कवर मिलेगा जो आप लोगों को बैक में रहेगा। मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूं इसका बैक कवर रहेगा। तो बैक कवर को हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया और यहाँ पे आप लोगों को बैक कवर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों को मोबाइल के साथ में एक बैक कवर भी मिलने जो आप लोगों को ट्रांसपेरेंट है, ये बैक कवर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसकी लगभग प्राइस 150 से लेकर 250 तक रहेगी। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो अभी हमारे हाथ में आ गया मोबाइल, और मोबाइल को मैं थोड़ा साइड में रख देता हूं क्योंकि हम मोबाइल के बारे में जानेंगे। उससे पहले बॉक्स के अंदर क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये मिलेगा और उसके साथ साथ आपको एक ट्रैवल चार्जर और एडेप्टिव ईयर दोनों, आपको USB केबल और ये एडेप्टिव ईयर दोनों मिलने वाला है। और उसके साथ साथ आप लोगों को बॉक्स के अंदर में भी कुछ नहीं है, अभी बॉक्स खाली है। इतनी चीज आप लोगों को इस मोबाइल के साथ में देखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ अभी हम डिस्कस करने वाले इस मोबाइल को, मैं आप लोगों को यहाँ पे इसको ओपन करके दिखाऊंगा। मैं इसका ये जो भी प्लास्टिक है ये निकाल के देखता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये प्लास्टिक को रिमूव कर लोगों को 5G का, यानी इसका लुक आप देखोगे ना एकदम बेस्ट आप लोगों को लुक देखने को मिल रहा होगा, जो आप लोगों को भी पसंद आएगा। और यहाँ पे अभी मैं इसे स्टार्ट करके आप लोगों को बता दूंगा कि कैसा होता है। ओके, तो दोस्तों फर्स्ट टाइम स्टार्ट मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूं और इसको मैंने स्टार्ट तो कर दिया हूं। आप देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को मेरा जो भी रिंग लाइट का आप लोगों को उसमें ये दिख रहा होगा, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हो 5G मोबाइल है, इसमें आप लोगों को क्लियरली देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों ये मोबाइल स्टार्ट हो चुका है, इसके फीचर्स आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को इसका लुक भी अच्छा है, मुझे तो ये मोबाइल अच्छा लगा इस प्राइस में। 1 से 8 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिल रहा है, और क्या चाहिए भाई इतने से पैसे में। ऐसे तो आपको सैमसंग का भी मिल जाता है लेकिन 64 मेगापिक्सल का आपको कैमराज मिलता है। थोड़ी इसमें बैटरी मेरे हिसाब से कम है, जो बैटरी चाहिए थी एटलीस्ट 5000 के ऊपर चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, 480 भी अच्छा है। ओके, 4800 का भी ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मोबाइल तो ठीक ठाक है, आप लोगों को यूज करने के लिए बेस्ट रहेगा। यदि तो लेने की सोच रहे होगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जाइए पटापट लेने हो तो ले सकते हो। मेरा राय है आप इसे ले सकते हो क्योंकि इतनी कीमत में आप लोगों को ये ठीक है। ओके,
क्योंकि बेस्ट मोबाइल है और आप लोगों को यदि इंडिया में 5G आता है तो 5G के लिए बेस्ट मोबाइल रहने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।